बहादुरा नगर पंचायत की स्थापना के औसतन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर पंचायत प्रशासक स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर वहां के लोगों ने प्रशांत नखाते के नेतृत्व में नगर पंचायत का घेराव किया। सड़क, नालियां, सीवेज प्रबंधन, पीने के पानी की समस्या, नीचे के भूखंडों में जल भराव और कब्जाधारियों को कर कसीद ना मिलने जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आलम यह है कि वर्षों से जनता नगर पंचायत का कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ है। जबकि प्रशासक की नियुक्ति जनता की समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है, जब नगर पंचायत की स्थापना हुई तो खरबी के जसवाल एस्टेट में आयोजित सभा में हजारों लोगों के सामने चंद्रशेखर बावन कोई ने कहा था कि उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया है, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए बिना खजाने में सट रहे हैं। आम लोगों के विकास के लिए खर्च, इसके कारण जनता नाखुश है कि उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है। ऐसा एक बयान आज दिनांकित है 20 सितंबर 2024 को चिखलखुंडी कर एवं प्रशासक अधिकारी की अनुपस्थिति में सागर ठगरी को लोगों की मांगों को समझने और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस समय नागपुर जिला अध्यक्ष प्रशांत नखाते के नेतृत्व में एक बयान के माध्यम से सहारा लेआउट के नागरिकों के अधिभोग प्रमाण पत्रों पर कर लगाया जाना चाहिए। खरबी में महावितरण सब स्टेशन कार्यालय के पीछे सड़क का निर्माण और नाली पर स्लैब डालना, नवनाथ नगर में पंधान सड़क और नाली का निर्माण और प्रस्तावित शहीद स्मारक का तत्काल निर्माण, अधिकारी को चेतावनी भी दी गई कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति उग्र आंदोलन करेगी। बयान जारी करने से पहले सैकड़ों स्थानीय नागरिकों और विरास कार्यकर्ताओं ने बालाजी नगर बहादुरा से पैदल मार्च निकाला और प्रशासक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बहादुरा नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अरुण केदार, युवा आघाड़ी अध्यक्ष मुकेश मसूरकर, सुधा पावड़े, नरेश निमचे, रवीना भागवतकर, उमेश कलंबे, चंदू शेंडे, गंगाधर मुनकर, तेजराम रेवतकर, रहमान शेख, शीतल खोबराकड़े, प्रवीण जैन उपस्थित थे। वेद प्रकाश भगत, चंदू वैद्य, विठल चौधरी, समीर अंसारी, शबाना चांचे, तबसुम अंसारी, यास्मिन अंसारी, शीतल गुदके, सुषमा मिश्रा, भूदेव महाजन, दामू कलांबे, उषा पाल, खुशाल शेंडे, हेमंत सूर्यवंशी, सोनू जावलकर, हेमलता जिपकाटे, योगिता आकाशे, किरण जाते सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। नमस्कार, मी प्रशांत अनिल नखाते, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नागपुर जिल्हा अध्यक्ष, आणि आम्ही संपूर्ण जनतेचा रोष लक्षात घेऊन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेतृत्वामध्ये एक भव्य असा मोर्चा घेऊन आलो आहोत। संपूर्ण जनतेचे जे प्रश्न आहेत, हे सहारे लेआउटमधील नागरिकांचे जे टॅक्स नाही लागत आहे त्याबद्दल सर्वात मोठी एक समस्या आहे, का भरपूर दिवसापासून ते लोक राहून राहिले, झोपडपट्टीलाही त्रास टॅक्स देतात पण ते लेआउटमध्ये पैसे देऊन आणि संपूर्ण एक पैसा देऊनसुद्धा ते लेआउटमध्ये प्लॅट घेऊन त्यांना टॅक्स नाही आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे जे लेआउटमध्ये खाली प्लॉट आहे तिथल्या पाण्याची समस्या आहे, पाणी जमा असून तिथे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया सारखे रोग होऊन राहिले आणि प्रशासन कोणत्याच प्रकारचे त्याला सहकार्य करून ना राहिले, त्याबद्दल आमच्या एक एवढा मोठा आणि भरपूरशा समस्या आहे। रस्ते, नाली, रोड ह्या समस्येला घेऊन आम्ही सर्व लोक इथं आलेलो आहोत आणि प्रशासनासमोर एक निवेदन द्यायला आलो का बा हे जो आम्ही काम हे करत आहोत, निवेदन देत आहोत, त्याच्या विल्हेवाट किती दिवसात लावता आणि किती लवकर लावता म्हणून आम्ही त्यांना एक निवेदन घेऊन आलो। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। Or set myself free. I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.